अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं। तो आज हम बना रहे हैं तवा चिकन। ये लाहौर की बहुत बहुत फेमस है और लाहौर जैसी तो शायद नहीं बन सकेगी, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि नियर नियर उसके जो टेस्ट है ना, क्लोजेस्ट टेस्ट जो है वो आपको हम इसका करवा सकें। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप चिकन की जो है लेग्स ही लें, लेकिन मैं चिकन लेग्स का बना रही हूं। आप इसको चिकन फुल चिकन के छोटे पीस करा के भी कर सकते हैं, ब्रेस्ट का भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो चिकन लेग्स का ही होता है और सबसे बेस्ट चिकन लेग्स का ही बनता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। तो इसको अभी मैं मैरिनेट करती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से इसको मैरिनेट करूंगी। उसके बाद इसको मैं, वो लोग तो बारबेक्यू करते हैं, लेकिन मैं आपको क्विक और इजी बता रही हूँ क्योंकि हर किसी के लिए यूके में बारबेक्यू करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं आपको इसको अदर वे से दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से हम बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है ये। और इसके साथ साथ आज एक चीज और बन रही है, वो बन रही है इंडियन स्ट्रीट फूड जो है पाव भाजी, ये वो बन रही है। तो मैंने सोचा कि ये इसको मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके जी। तो हमारा चिकन जो है वॉश होने के बाद ड्राई हो चुका है, तो इसके अंदर जो बिल्कुल बेसिक इसकी मैरिनेशन है ना, पहले हम इसको वो कर देते हैं, हम इसको बेसिक वाली इसकी मैरिनेशन। ये मेरे पास 8 लेग पीस हैं, तो इसके ऊपर मैं 1 स्पून जो है सॉल्ट का, बहुत सिंपल इसकी मैरिनेशन करनी है हमने, तो 1.5 स्पून कर देते हैं इसके ऊपर हम। और उसके बाद इस पर हमने करना है ये जो है हमारा चिली पाउडर, 1 स्पून फुल चिली पाउडर का वो हम इसके ऊपर कर देते हैं, और साथ में तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला जो है वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो तंदूरी मसाला हम 2 डाल देंगे, 2 स्पून्स, ठीक है। अब इसके साथ अब जो चीज है वो है लेमन जूस। तो लेमन जूस भी आपकी चिकन के मुताबिक होगा, जितना आपके पास चिकन होगा उसके मुताबिक आप डालेंगे। तो मैंने 2 जो थे ना लेमन, उनका जो था जूस को स्क्वीज किया था, लेकिन मेरा ख्याल है ये 1.5 ही इनफ रहेगा। ये इतना सारा मेरे पास बच गया है, इसको मैं रख देती हूँ। और अब हम ग्लव पहन लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर तकरीबन, कम से कम अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तब भी आपको 20-25 मिनट तो इसको रखना चाहिए, वरना 1 आवर या 2 आवर्स तो ज़रूर आप इसको रख दें। तो अब मैं देखती हूँ टाइम के मुताबिक कि मेरे पास कितना टाइम है। तो कम से कम भी मैं इसको आधा घंटा तो ज़रूर रखूँगी ताकि ये जो है ना मसाले इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो सकें। और बाकी आप देख लीजिएगा, अगर मसाले आपको अपने हिसाब से ज़्यादा कम करने हो तो आप कर सकते हैं, जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं उतना आप इसको कर लें। तो देखें इनका कलर भी कितना अच्छा आ गया है। तो इनको हम थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट के लिए रखते हैं ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से चिकन के अंदर चले जाएं, ताकि जब हम इनको अब निकालेंगे तो इसके अंदर टेस्ट आ जाए। और इसके अंदर देखें हमने सिर्फ बेसिक मसाले लगाए हैं, सिर्फ नमक, मिर्च, तंदूरी मसाला और लेमन जूस, क्योंकि जो बाकी के मसाले हैं वो जब इसको तवे पे हम रखेंगे फ्राई करेंगे तो मसाले उस वक्त ऐड होंगे इसके अंदर। लेकिन अभी हम इसको बिल्कुल सिंपल नहीं रख रहे, थोड़ा सा इसको हमने कर दिया है। तो इसको अब ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है, मैं इसको रखती हूँ फ्रिज के अंदर। तो फिर मैं इसको निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है जी। तो ये इंडियन स्ट्रीट फूड जो है पाव भाजी, ये मैं बना रही हूँ अपने स्टाइल से, और ये मेरे बच्चों की बहुत ही फेवरेट है। इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। इसके अंदर कैरेट्स हैं और इसके अंदर ये गोभी है, मटर है, आलू है, और इसके अंदर ये 2 कलर की कैप्सिकम डाली है मैंने, शिमला मिर्च रेड कलर की और ग्रीन कलर की। उसके साथ थोड़ा सा मैंने इसको स्पाइसी करने के लिए ग्रीन चिलीज काट के, ऐसे देखें ये ग्रीन चिलीज जो है ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसके अंदर ये है ब्रोकली है इसके अंदर, और बाकी यही अपनी है। इसके अंदर आप जो भी चाहें सब्जी अपनी मर्जी की ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने यही सब्जियां ऐड करनी है। जो भी सब्जी आपको पसंद है ना वो आप, बैंगन भी इसके अंदर ऐड हो सकता है जी, बैंगन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और भी जो भी सब्जी आपको पसंद है। तो ये फिलहाल मैं इन सब्जियों के साथ इसको बना रही हूं। तो अभी मैंने इनको जस्ट सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट और फ्यू इसके अंदर ये मैंने हरी मिर्ची इस तरह काट के, नमक डाल के, पानी डाल के इसको मैंने बॉईल होने के लिए रखा है। देखिए इस तरह की मैंने ये मिर्चों को काटा है। तो
तो अभी मैं इनको बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। ये सारी चीजें बॉईल होंगी, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी कि आगे हमने इसको किस तरीके से बनाना है। जी, जो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, जब तक मैंने सोचा कि हमारी सब्जियां बॉईल हो चुकी हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी सब्जियां कैसी लग रही हैं। तो ये आप देखें कि ये सब कुछ बॉईल हो चुका है, और अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने मैश करना है। अब ये आप अपना जो होता है ब्लेंडर इलेक्ट्रिक वाला, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको हैंड से ही करती हूँ, क्योंकि हैंड से किया हुआ जो होता है ना, ये बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी वो नहीं होता कि जैसे बिल्कुल ही इसका ना बन जाता है, लेकिन ये जो होता है ना, इसका सही मैशी मैशी सा आपको लगेगा, तो इस वजह से मैं हैंड से ही करती हूँ। तो ये मैं इसको सारे को मैश करती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैश होने के बाद ये किस तरह की शक्ल होगी इसकी। ये तो हमने सारी वेजिटेबल्स को मैश कर लिया है, और यहाँ पे ये स्मॉल साइज की दो ओनियंस हैं, इनको मैं ब्राउन कर रही हूँ, और इस पे मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया है और दो स्मॉल साइज के ओनियन ले लिए हैं। और इसमें ये है कि ऑयल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें जो है ना ज़्यादा बटर का मज़ा आता है, तो अभी जब ये प्याज ब्राउन होगा उसके बाद हम इसमें बटर भी ऐड करेंगे, और इसके बाद प्याज ब्राउन होने के बाद इसके अंदर हम जीरा ऐड करेंगे, तो प्याज ब्राउन हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये देखें कितना अच्छा लाइट ब्राउन हो चुका है। इस वक्त इसके अंदर जो है मैं क्रश जीरा जो है इसके 2 स्पून ऐड कर रही हूँ। ये क्रश जीरा, इसको मैंने घर में क्रश करके रखा हुआ है, इसको हम ऐड करते हैं। और उसके बाद अब इसके अंदर, क्योंकि ये जीरा क्रश है, ये टाइम नहीं लेगा, ये देखें फौरन फ्राई हो रहा है ये। और इसके अंदर अब हमने जो मिक्सचर बनाया हुआ है, तो मैश करने के बाद ये शक्ल आ गई है। सारी वेजिटेबल्स को जब हमने मैश किया है तो वो इस तरह की शक्ल में आ गई है। और अब इसको हम इस प्याज के अंदर, और जो ये जीरा फ्राई हो रहा है इसके अंदर, इसको अब हम ऐड कर देंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और इसको हम इसके अंदर इसके अंदर हम सारे स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ड्राई जिंजर को डालेंगे, ये हाफ जो है हाफ स्पून, और उसके बाद इसके अंदर हम ड्राई गार्लिक को भी डालेंगे हाफ स्पून, और इसके साथ ही ये मेरा घर का अपना मसाला है, और ये इसके अंदर हम डालेंगे, और मैं भी आपको बताती हूँ कि किस किस चीज़ से ये मैंने मसाला बनाया हुआ है। तो ये जो साबुत गोल मिर्ची होती हैं, जीरा और धनिया, इन तीनों को पहले आप ड्राई रोस्ट कर लें, ड्राई रोस्ट करने के बाद इनको आप पीस लें, और उसके बाद ये इस शक्ल में आ जाता है। इन तीनों चीज़ों को जब आप करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ये 2 स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, और सॉल्ट भी हम जो है अब देखते हैं। हरी मिर्चों की इसके अंदर बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने हरी मिर्ची इसके अंदर बॉईल करते हुए डाली थी वो बिल्कुल ठीक है, इसके लिए इनफ है। सिर्फ सॉल्ट की कमी है, वो मैं डालती हूँ, वो भी कम डालूंगी क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा बटर भी ऐड करना है, तो इसलिए सॉल्ट और मिर्चें जो है ना वो आप अपने हिसाब से डालें। और इस वक्त इसके अंदर मैं ये 2 मैंने मीडियम साइज के जो टमाटर हैं ये मैंने काट के रखे हुए हैं, और ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जी, तो इसके अंदर जो है ये देखें, ये इतना सारा स्पूनफुल जो है ये मैं चाट मसाले का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने टैंगी फ्लेवर देना है। और इसके साथ साथ ही अगर आप ज्यादा नहीं पसंद करते टैंगी तो आप लेमन जूस ना ऐड करें, लेकिन हम पसंद करते हैं इसलिए मैं इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर रही हूँ। ये जो अभी मैंने चिकन को मैरिनेट किया था आपके सामने, तो 2 लेमन थे, उसमें से जो थोड़ा सा बच गया था ये सारा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसके जो अब टमाटर है ना, इसको हम ढक के टमाटरों को सॉफ्ट होने तक इनको पकाएंगे हम अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद इसको बटर ऐड करेंगे, इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे, और फिर इसकी शक्ल जो तैयार होगी वो हम आपको दिखाएंगे। जी, तो हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है, और तकरीबन ये 2 घंटे जो है ना इसने रेस्ट कर लिया है। इसको फ्रिज में रख दिया था,
तो अब जो है ये मैंने ऑयल गरम किया है और इसको मैं फ्राई करूंगी बिस्मिल्लाह। मैं जी इस तरीके से ये सारा चिकन जो है मैं इसको फ्राई करती हूँ और आप लोगों ने भी इसी तरीके से इसको फ्राई करना है। उसके बाद जो इसको हमने इसकी सॉस बनानी है फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो जब तक चिकन फ्राई हो रहा है तो हमने सोचा कि इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं हम ना, ताकि जिससे को हमने बाद में इसके साथ पकाना है। तो ये हमने योगर्ट लिया है 4 स्पून्स। आपने मेक श्योर करना है कि आपका योगर्ट जो है वो बिल्कुल मीठा नहीं होना चाहिए, खट्टा योगर्ट इसके लिए हमें चाहिए ना, कि योगर्ट मीठा ना हो, योगर्ट हमें बिल्कुल खट्टा चाहिए। ये 4 स्पून हमने योगर्ट ले लिया है। इसके अंदर जो है 1/2 स्पून मैं जीरा पाउडर का ऐड करूंगी, इसके अंदर जीरा पाउडर, और 1/2 स्पून इसके अंदर जो है हम सूखा धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर ऐड करना है, वो आप जितना स्पाइसी खाना चाहते हैं उतना ऐड कर लें। तो मैं ये 1 स्पून जो है ब्लैक पेपर, ये जो है पाउडर नहीं है, क्रश की हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मजेदार चीज है वो है चाट मसाला, वो 1 फुल स्पून। मेरा स्पून फुल है, बड़ा है, लेकिन आप लोग 1.5 स्पून तक इसको डाल सकते हैं। उसके बाद इसको, और चाट मसाले में सॉल्ट वगैरह होता है तो इसलिए हमें अब एक्स्ट्रा सॉल्ट की जरूरत नहीं है। इसको हम मिक्स करते हैं जब तक हमारा सारा चिकन फ्राई हो रहा है। तो हमने सोचा बाय द टाइम हम इसको रेडी कर लें, और इसके लिए हमें चाहिए लेमन के स्लाइसेस और स्लाइस की हुई हरी मिर्चें हमें चाहिए, लेकिन बहुत तेज वाली नहीं चाहिए हमें, जो बुलेट मिर्च हो या थोड़ी सी मीडियम हॉट हो वो वाली हमें हरी मिर्चें चाहिए। तो हम उसके भी स्लाइस करते हैं और उसके बाद फिर हम आपको अगला प्रोसीजर दिखाते हैं कि इसको हमने कहाँ यूज करना है। ये हमारा चिकन सारा फ्राई हो चुका है और ये जो हमने बनाया था मसाला इसके लिए, इसको हम इसके ऊपर सारे चिकन के ऊपर हाफ जो है ना, पहले हम हाफ को सारे चिकन के ऊपर अच्छी तरह करके कोट, और इसको हम 5-10 मिनट्स के लिए ढकेंगे ताकि इसका जो है ना योगर्ट का अपना पानी निकले और चिकन और योगर्ट जो है ना ये आपस में थोड़ा सा अच्छी तरह इसका मसाला पक जाए। तो इसको मैं ढकती हूँ 5-10 मिनट के लिए और फिर दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से पक रहा है। तो ये हमारा जो दही था ये पक चुका है, अब जो बाकी का दही था अब हम इसको ऐड करते हैं, क्योंकि ये पहले वाला दही जो है ये बिल्कुल पक के ड्राई हो चुका है, इसके ऊपर चिकन के साथ बिल्कुल लग चुका है। तो अब टाइम आता है इसके ऊपर स्लाइस, अभी हम हाफ डाल के देखते हैं कि किस तरह की है, ज्यादा तेज तो नहीं है, फिर बाकी की हम बाद में डालते हैं। और साथ ही जो बाकी का बचा हुआ दही है इसको भी सारा हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो अब इसको हम मिक्स करके दोबारा ढकते हैं 5-10 मिनट के लिए, इसको हम अब दम पे फिर से रखते हैं हरी मिर्चों के साथ, और फिर जब इसको हम खोलेंगे तो उस वक्त फिर इसके अंदर हम लेमन और जो बाकी की हरी मिर्चें हैं उनको हम जो है ना वो फिर शामिल कर देंगे। अभी इस वाली हरी मिर्चों की खुशबू इसमें अच्छी तरह आ जाएगी क्योंकि ये उसके साथ पकेगा, तो कोशिश करते हैं कि सारी अच्छी तरह कर दें ताकि सबको लग जाए ना मसाला सारा। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा बनता है। और आज हमारे पास जो मेहमान आ रहे हैं तो हम उन्हें भी ये ट्राई कराएंगे, देखते हैं उन्हें कैसा लगता है, अच्छा लगता है। तो अगर कोशिश करेंगे कि हम उनको भी व्लॉग में लाएं और वो खुद ही अपना दें रिव्यू कि वो उनको कैसा लगा है ये तवा चिकन।
जी दोस्तों, इस वक्त जो चीजें ये सामने आप देख रहे हैं मिसेज ने बनाई हैं, और डॉक्टर साहब आज हमारे पास आए हैं अवार्ड के सिलसिले में मुबारकबाद देने के लिए, तो हम जाहिर है कि मेहमान आए तो उसकी फिर तवाजो तो होनी चाहिए। तो आज मिसेज ने ये चीजें बनाई हैं, पाव भाजी है, ये दाल है, पापड़ है, ये सैलेड है, चावल है, बिल्कुल डिफरेंट, और वो तवा चिकन है। अच्छा, तो आज हम टेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप पाव भाजी। ये तो लास्ट हम खाए थे चौपाटी इन मुंबई। अच्छा, हाँ, फिर अय्यार हुसैन के घर पे फ्रॉम टाइम टू मुंबई। अच्छा, टाइम टू मुंबई। नहीं, बड़े अच्छा लगता है, यू नो, इस तरह का लेआउट, और बहुत ही खुश हैं आप, आपने बुलाया। खाना खाना तो खैर हमेशा आपके अच्छा रहता है, बट ओकेजन बहुत ही अच्छा है। आई एम वेरी 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 प्लीज कि आप इतने लोगों में नॉर्थ ईस्ट में एक छोटे से इंसान धड़ाका कर दिया। बहुत शुक्रिया आपकी। आई एम वेरी 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 प्लीज। तो अब आप ये हमें बताइए कि ये आपको टेस्ट कैसा लग रहा है, ये खा के बताइए। हम लोग बहुत ज्यादा मीट खाते हैं। अच्छा, मुसलमान है? खाली मुसलमान नहीं, खाली मुसलमान नहीं, हम लोग भी मीट खाते हैं। अच्छा। मगर हफ्ते में एक बार, यहाँ तो एकदम इतना मिलता है कि खाए जाओ खाए जाओ। जी जी। सो टू ईट वेजिटेबल, दाल चावल इज गुड फॉर हेल्थ जी, एंड एज वी गेट ओल्डर जितना कम प्रोटीन खाइए बेहतर है। सही। और हम भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, दोस्त के यहाँ जाएंगे तो थोड़ी खाएंगे। जी दोस्तों, मैं ये बता दूं कि डॉक्टर आनंद रिटायर्ड जीपी हैं और इस वक्त मेरे साथ हैं, और तभी ये चीजें देखकर बड़े खुश हुए हैं, और हमारे लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि हम सब मिलके इसको टेस्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये क्या चीजें हैं, हम भी लेते हैं। पापड़ है, दाल है, चावल है, इधर कर काट दिए तो लगता है किसी ब्राह्मण के घर में बैठे हुए हैं।